प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। देश के सबसे बड़े चुनावी दंगल यूपी विधानसभा के चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति जोरों पर है। वाराणसी के रोहिणिया स्थित भाजपा के काशी क्षेत्र कार्यालय पर कांग्रेस, सपा सहित अन्य पार्टियों के 15 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जो वाराणसी, अमेठी, प्रयागराज सहित अलग अलग जिलों से आते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव सहित कई क्षेत्र नेता मौजूद रहे। बीजेपी ज्वाइन करने वालों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, शैलेंद्र पांडे, मधुकर, सपा की तरफ से धर्मेश्वर सिंह और अन्य पार्टियों से दर्जनों नेता ने बीजेपी ज्वाइन किया। इस दौरान बीजेपी के पदाधिकारियों ने सबका माला पहनाकर स्वागत किया और बीजेपी की सदस्यता दिलाई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने के बाद उनके दल की जो दुर्गति हुई है, अब उससे सावधान हो गए। लेकिन इतना मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी ज्वाइन करा रही है, बाकायदा जांच करके करा रही है और ये कोशिश कर रही है कि कोई आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति भाजपा को ज्वाइन न कर जाए। थाने तक इंक्वायरी कर रहा हूँ, अगर पता लग जाता है कि इसका कोई आपराधिक इतिहास है। किसी ने मांगा हो और ना मिला हो तो आपत्ति है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने तो 6 महीने पहले पार्टी को लिख कर दे दिया था कि अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, नंबर एक, और नंबर दो ये लिख कर दे दिया था कि मेरे परिवार का नहीं लड़ेगा। जो मिसाल मैंने कायम किए राजनेताओं के लिए, उनको उसका अनुसरण करना चाहिए। अनुवर राणा को दिक्कत ये है कि आदरणीय योगी जी इतने कट्टर कुशल प्रशासक कि अपराधियों की कमर तो तोड़ने का काम उन्होंने किया ही है, अपराधी दोबारा गैंग ना गठित कर सकें इसलिए उनकी आर्थिक कमर तोड़ने का भी काम किया है। 4300 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति को जब्त करके सरकार में मिलाया है और उनकी अवैध अर्जित जमीनों पर, उन्होंने अवैध कब्जा की जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाने की योजना चालू की है। जो बच गए हैं उन्हें यह खतरा है कि अगर योगी जी दोबारा आ गए तो अगले 5 साल में उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।